हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। माय नेम इज संजय पटेल और हमको सॉल्व करना है आज एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 40। ठीक है, तो डेट्स के बारे में तो लगभग आप लोग क्लियर ही होंगे। अब देखिए, जैसी सिचुएशन होगी वैसा अगर डेट में चेंज करना होगा तो सिचुएशन देख के ही चेंज किया जाएगा, वरना आपका एग्ज़ाम 26 जुलाई को होना है। ठीक है, तो शायद कल फाइनल हो जाएगा, 30 जून को बोला गया है कि फिर से बैठक होगी, उसमें फाइनल लिया जाएगा। ठीक है, फाइनल डिसीजन उसी में होगा कि कब होना है एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग अपना काम करते हैं, हमको पढ़ाई करना तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, डेट वोट का काम गवर्नमेंट का है तो वो करेगी, हम क्यों परेशान हैं यार। हमको थोड़ा और टाइम मिलेगा तो ठीक है, वरना हम 26 जुलाई की तैयारी मान के चलेंगे, तो इसमें ज़्यादा परेशान वाली कोई बात ही नहीं है, बस ज़बरदस्ती आप परेशान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोई हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है। ठीक है, एक एनर्जी लेवल है एन, और किस लेवल में जाता है, एन माइनस वन में। ठीक है, उसका ट्रांजिशन होता है एन टू एन माइनस वन में। ठीक है, तो जो इमिटेड रेडिएशन है, वहाँ पे रेडिएशन इमिट हो रही है तो ऑलमोस्ट वही फोटान ही निकलेगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, एन के किस पावर के प्रोपोर्शनल होगी आपको बताना है। तो एनर्जी क्या होता है, फोटान की एनर्जी एचनी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जब एनर्जी जो इमिट होती है ट्रांजिशन जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे -13.6 होता है, तो उसको हमने के लिख लिया क्योंकि वो कांस्टेंट ही होता है, प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ पूछा गया है। तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, एन माइनस वन में जा रहा है, तो ये हो गया एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस हाफ, किससे जा रहा था, एन ऑर्बिटल में पहले से था। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये एच न्यू के बराबर हो जाएगा। इधर थोड़ी सी परछाई आ रही है कि उधर लाइट लगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, शायद सामने हम लिख रहे हैं तो पीछे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे न्यू का रिलेशन आपको बताना है, एच भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जो न्यू आएगा तो हो जाएगा के अपान एच। अब यहाँ देखिए एन माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम, इधर आ जाएगा एन स्क्वायर और माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, अब एन के टर्म में आपको बताना है, तो ऊपर आपका बचेगा एन स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करिए स्क्वायर को, तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस हाफ टू एन। ठीक है, अपान यहाँ क्या बचेगा, इसका स्क्वायर रूट ओपन करो, स्क्वायर ओपन करना है तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस हाफ टू एन इंटू एन स्क्वायर भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको इन साइड मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, उसके बाद कॉमन वॉमन लोगे तो यहाँ पे जो आपका न्यू आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन अपान एन की पावर थ्री में। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा वन अपान एन की पावर थ्री में। क्वेश्चन नंबर टू है, यहाँ पे फिगर दिया गया आपको दिख रहा होगा, ए एंड बी आर द टू पार्टिकल हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का उनका मैग्नीट्यूड जो है सेम है और सेंस उनका अपोजिट है। ठीक है, एक पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और दूसरा वाला ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो एट टी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे बताना है वी ए माइनस वी वी। ठीक है, वेलोसिटी का यहाँ पे डिफरेंस बताना है वी ए माइनस वी वी एट टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, आपको दिया गया टी इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, तो आप इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी दोनों की निकाल लें तो आपकी जो वी ए आएगी वो क्या आ जाएगी, ओमेगा आर वन माइनस ऑफ आई। ठीक है, माइनस ऑफ आई क्यों, क्योंकि ये यहाँ आएगा फिर यहाँ जैसे पहुँचेगा तो क्या जाएगा, माइनस डायरेक्शन में जाएगा, तो माइनस ऑफ आई हम मान ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो दिखाया गया है ये यह यहाँ पे ए और दूसरी वेलोसिटी यहाँ पे वी, तो वी वी अगर देखो, ठीक है, तो वी वी देखोगे तो ओमेगा आर टू इंटू माइनस ऑफ आई। अब देखो ये यहाँ पे तो माइनस आई पहले से था, ये आगे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आई, तो ये दोनों आ गए। अब वी ए माइनस वी वी करना है आपको, तो वी ए माइनस वी वी करोगे, ठीक है, तो ओमेगा आर वन, ओमेगा आर वन आई, और माइनस पहले से था ये, ठीक है, पहले से माइनस है तो यहाँ पे आगे माइनस लगा दो, और माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस ओमेगा आर टू इंटू आई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, माइनस ओमेगा आर वन आई प्लस ओमेगा आर टू आई। ठीक है, ये समझ लेना, ये कि ये देखिए एंटी क्लॉक वाइज है, तो यहाँ पर ये माइनस आई है और यहाँ पर ये क्या है, ये क्लॉक वाइज है। ठीक है, तो ये भी माइनस आई की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, तो दोनों के लेंगे डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ पे दिया गया पार्टिकल ऑफ मास एवन टेक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब आसान भाषा में समझिए, पार्टिकल टकराने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट पार्टिकल की, जिसका मास एवन है, सेकंड पार्टिकल जो रेस्ट में है एम टू से टकराता है ये, ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पहले से 4/9 हो जाती है। ठीक है, 4/9 हो जाती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, तो काइनेटिक एनर्जी 4/9 होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 2/3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कब चेंज होगी, जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, भाई मास तो वही रहेगा,
तो काइनेटिक एनर्जी जब 4/9 होगा तो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 2/3। ठीक है, तो ये वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, v/3। अब ये फार्मूला अगर याद है तो आसान रहेगा, नहीं तो आपको अभी यहाँ पर क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, वहाँ से दोनों की वेलोसिटी निकालोगे अलग अलग, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया रेशियो आपको m1/m2 का, लेकिन ये फार्मूला याद है तो देखिए कितने आसानी से लगेगा। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हो जाएगी 2/3, इनिशियल की 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 u1 इजकल टू m2 माइनस m1/m1+m2 इंटू क्या है u1। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2m2 सब कुछ छोड़िए, यहाँ पे u2, तो u2 है रेस्ट। ठीक है, u2 हो जाएगा 0 क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए रेस्ट में, तो ये हो जाएगा पूरा टर्म 0। u1 से u1 कैंसिल, अब मल्टीप्लाई कराओ तो इधर क्या हो जाएगा 2m1+2m2 इजिकल टू 3m2 माइनस ऑफ 3m1, माइनस 3m1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5m1 हो जाएगा, और 2m2 उस तरफ जाएगा तो 3 - 2 करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा m2, m1/m2 चाहिए तो हो जाएगा m1/m2 इजकल टू 1/5। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि ये फार्मूला याद कर लीजिए, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे v2 होता तो यहाँ पे m1 - m2 हो जाता, और यहाँ पे u2 हो जाता, और यहाँ पे m1 हो जाता, बस थोड़ा सा। तो एक आप याद कर लो, दूसरा तो ऐसे याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियली रेस्ट में था, ये एक्सप्लोड होता है 3 पार्ट में, ठीक है, 3 फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड होता है। तो मोमेंटम इसमें बताया गया 2 पार्टिकल का, एक का है 2pi और दूसरे का है pj के बराबर, वेयर p द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट, ठीक है, तो थर्ड पार्ट का जो मोमेंटम होगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो उसका आएगा तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। तो देखिए इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर ये i है, यहाँ पे 2pi है, यहाँ पे pj के बराबर है। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो जो थर्ड आएगा p3 वाला आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 4p² और प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर तो 5p² या p√5 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा इसका मैग्नीट्यूड थर्ड पार्टिकल का, ठीक है, मोमेंटम का, वो क्या आ जाएगा आपका p√5। ठीक है, अब देखिए एंगल आपको बताना कि एंगल कितना होगा। तो देखिए अब ये मान लो कि जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा तभी तो बैलेंस करेगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहना, जब इनिशियली रेस्ट में था तो बाद में भी उसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका, ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ गया, अब आपको एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के क्या करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू जो वाई कंपोनेंट है वो क्या है, पी जे है, एक्स कंपोनेंट है 2pi है। ठीक है, तो जे क्यों लिखेंगे, बस वाई वाला कंपोनेंट लिखते हैं अपन एक्स वाला कंपोनेंट, तो pp कैंसिल 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 के बराबर। अब देखिए एंगल कितना होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से आपको देखना है यहाँ से, तो ये वाला एंगल होगा, एक्स एक्सिस से पूछा गया आपसे, तो ये आपका आ गया टेन इनवर्स 1/2, तो टोटल कितना होगा π - tan inverse 1/2। पाई माइनस क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल पाई था, तो ये आपको चाहिए, तो पाई में से इतना घटा दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, कोरेसिविटी दिया गया है स्मॉल बार मैग्नेट का 4×10⁸ ampere/meter। ठीक है, इसको इंसर्ट किया गया किसी सोलेनाइड के अंदर, इसमें टर्न्स दिए गए 500 टर्न्स के बराबर, लेंथ इसका 1 मीटर है। ठीक है, इसको डीमैग्नेटाइज करना है, तो अमाउंट ऑफ करंट आपसे पूछा गया, तो H=ni, इस तरह का फार्मूला हम यूज भी कर चुके हैं और ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बस इसमें आपको आई चाहिए, तो सीधे निकालिए I=H/N हो जाएगा, एच की वैल्यू दिए 4×10³, एन की वैल्यू है 500। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4000 है, 4000/500। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो क्या आ जाएगा, 8 एम्पियर के बराबर है। बस सिंपल फार्मूला, इसको याद रखना, फार्मूले से काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे कहा गया है कि मैक्सिमम करंट हमको चाहिए, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया गया, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2.5 ओम का। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, देखिए ईच रो में कितनी एन सेल लगी हुई है, नंबर ऑफ रो दिया गया है एम। ठीक है, एम यहाँ पे एम रो है, और एक रो में एन नंबर ऑफ सेल लगी हुई है। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल्स का है वो 0.5 ओम के बराबर है। ठीक है, तो एन और एम की वैल्यू आपको बतानी है, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने, 45 दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितना है 45, तो m इंटू एन करोगे तो 45 आ जाएगा। मान लिया कि n सेल इसमें है और m रो है, तो m इंटू एन करोगे तो टोटल नंबर ऑफ सेल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो m इंटू एन तो आ गया 45। अब जब हमको मैक्सिमम करंट चाहिए होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दिया जाता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि जब भी हमको पावर पूछे या करंट पूछे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, जब भी मैक्सिमम चाहिए तो क्या करोगे, उसको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दोगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक रो में बात करी जाए, तो एक रो में कितना होगा, ए आर 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 स्मॉल आर आर है सबका, तो हो जाएगा एन आर के बराबर, और फिर कितना यहाँ पर रो कितनी है, एम के बराबर है, तो टोटल रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, अब ये पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में को तो जितने रो होंगे उससे डिवाइड करो, तो एन आर अपान एम हो जाएगा, तो एन
आर अपान एम इजिकल टू किसके बराबर आना चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। एक्सटर्नल कितना है 2.5 ओम है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो तो एन अपान एम 2.5 अपान आर यहाँ नीचे आ जाएगा, तो आर की वैल्यू 0.5 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5, तो एन अपान एम की वैल्यू हो जाएगी 5, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 5 एम के बराबर। अब यहाँ पे रखो तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 5 एम के बराबर, तो इससे एन भी निकल आएगा और एम भी निकल आएगा। ठीक है, अब शायद समझ में आ गया होगा कि बस यही करना था आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से एन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एन की वैल्यू एम के टर्म निकाल लो, अब यहाँ आ जाएगा एन इजकल टू हो जाएगा 5 एम के बराबर, तो एन इजकल टू 5 एम, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एम स्क्वायर। ठीक है, 5 एम स्क्वायर इजकल टू 45, तो एम स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 9, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 3, एम की वैल्यू 3, तो एन की कितनी होनी चाहिए, एन की 15 होगी तभी तो 45 आएगा। ठीक है, या तो रख के चेक कर लो या तो ऐसे देख लो, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 15, तो एम की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 15। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए बी वायर दिया गया, 100 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस दिया गया 5 ओम के बराबर। इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर द करंट फ्लोइंग इन द वायर ए बी, वायर ए बी में आपको करंट बताना है। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट ही होता है कि सेकेंडरी कॉयल जो होती है उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं है। भाई यहाँ पे अगर करंट इस ब्रांच में आती या इसमें किसी में भी आती तो गैल्वेनोमीटर से होकर निकलेगी जरूर, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, इसका मतलब कोई करंट नहीं आ रहा, और कोई करंट नहीं तो इसको आप ओपन सर्किट मान सकते हो कि ये एक ओपन सर्किट है। ठीक है, तब अब इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा इस तरफ का। भाई ये कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियोमीटर, मैंने पढ़ाया था, 40 मिनट की वीडियो थी, बहुत पहले पढ़ा दिया, चैनल शुरू किया था तभी तो मैंने वहाँ पे बताया था। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉयल है तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं आएगी, तो अब इसका काम ही खत्म होगा। तो टोटल करंट आपको चाहिए, तो आई इज इक्वल टू वी वाई आर लगाओ, वी आपको दिया है 1.5 वोल्ट, आर कितना हो जाएगा 10 ओम ये, और 5 ओम इस आर डब्ल्यू। ठीक है, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसका दिया है 5 ओम, तो 5 और 10 ये हो जाएगा 15, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन, बस इसको आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, का ये शायद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाँ ठीक है, इनपुट पावर दिया गया इसमें 23,000 वोल्ट दिया गया। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग इसमें दिया गया 4000 टर्न के बराबर, और ये आउटपुट पावर कितना देता है, देखिए वोल्टेज लिखना चाहिए, पावर पावर इसमें बोल दिया लेकिन दिया गया है वोल्टेज। ठीक है, तो ये कितना दे रहा है 230 वोल्ट दे रहा है, और आउटपुट करंट यहाँ इफ द करंट इन द प्राइमरी ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्राइमरी में दिया गया है 5 एम्पियर, एफिशिएंसी दिया गया 90% देन आउटपुट। अब यहाँ पे एफिशिएंसी दी थी आपको 90%, तो 90 अपॉन 100 कर लिया हमने। देखिए अब यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज था 230 के बराबर था, आपको सेकेंडरी करंट निकालनी है, प्राइमरी करंट 5 एम्पियर दिया गया था और प्राइमरी जो वोल्टेज था वो 2300 वोल्ट के बराबर था, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से यहाँ गया, अब ये जाएगा यहाँ, तो 9 इंटू 5 तो आ जाएगा 45, तो जो सेकेंडरी कॉइल में करंट आ जाएगा वो आ जाएगी 45 एम्पियर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखिए इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, यहाँ पे एक बल्ब दिया गया 60 वाट और 120 इसका रेटिंग है जो लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, इसको सप्लाई दिया था 240 वोल्ट से और 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो सोर्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे कह रहा है कोई इंडक्टर यूज किया जा रहा है यहाँ पे इसके साथ सीरीज में, यहाँ पे इंडक्टर यूज किया जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस सो दैट द बल्ब गेट्स करेक्ट वोल्टेज। इसको चाहिए 120 वोल्ट, अप्लाई किया आपने 240 वोल्ट, तो ऐसे तो फट जाएगा बल्ब, ठीक है, फ्यूज होगा, फटेगा नहीं, तो यहाँ पे इंडक्टर की वैल्यू आपको बतानी है कि इसको 120 वोल्ट ही मिले। ठीक है, तो इसको वी, अब देखिए इसका पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे वी स्क्वायर अपान आर के बराबर हो जाएगा, तो वी स्क्वायर मतलब 120 गुड़े 120 अपान पावर कितना है यहाँ पे क्या होता है वी स्क्वायर अपान पी होता है, तो पी हो जाएगा 60, तो 60 120 को डिवाइड करो आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 240, तो जो है रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 240 के बराबर। ठीक है, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस। अब कितनी करंट दी जाए कि यहाँ पे जो ड्रॉप आए वो 20 के बराबर आ जाए, 120 के बराबर, तो 120 इजकल टू आई आर, वी इजकल टू आई आर होता है, तो आई आई आपको निकालना है, आर का बल्ब का आर कितना है 240 के बराबर है, तो यानी कि हमको आई देना पड़ेगा 1/2 एम्पियर। ठीक है, 1/2 एम्पियर जब इसमें फ्लो करेगी तभी यहाँ पे ड्रॉप आएगा 120, तभी 120 वोल्ट मिलेगा, अगर करंट इससे कम ज़्यादा हुई तो यहाँ पे फिर वोल्टेज इसका फ्लक्चुएट होगा, क्योंकि करेक्ट वोल्टेज इसको चाहिए 120 ही चाहिए। ठीक है, तो जब करंट 1/2 होगी तभी 120 मिलेगा, तो ये आ गया आपका आई। अब देखिए जेड कितना चाहिए, क्योंकि टोटल ड्रॉप जो आना चाहिए वो 240 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, फिर लफड़ा हो गया, तो 240 यहाँ पे दिया वी आर एम एस। ठीक है, तो वी आर एम एस 240, तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या होता है जेड जो होता है इम्पीडेंस इनटू आई। ठीक है, आई आपको दिया 1/2, ठीक है,
देखिए वीआर में जो होता है जेड क्या होता है, यहाँ पे इम्पीडेंस होता है इंटू आई, आई यहाँ पे दिया है 1/2, तो इसको लिखो 1/2 जेड, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 480 के बराबर, तो जेड आ गया यहाँ पे 480। अब देखिए अब से अब धीरे धीरे भूमिका बन रही क्वेश्चन की, ठीक है। अब जेड कैसे निकालते हैं, जेड हम निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इंडक्टर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए हमको चाहिए यहाँ से एक्स एल, एक्स एल की वैल्यू निकल आए बस काम हो जाएगा आपका, वहाँ से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको निकालने में क्या करेंगे, स्क्वायर करो दोनों का, तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। एक्स एल की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी जेड की स्क्वायर, तो मतलब 480 का स्क्वायर माइनस आप 240 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 240 स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएगा 240, इन साइड क्या बचेगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 ये रह जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 240 रूट ऑफ 3, ठीक है। ये बच जाएगा आपका एक्स एल। अब एक्स एल होता क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं जगह बची हुई है, तो एक्स एल क्या होता है, एक्स एल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू एल के बराबर, आपको चाहिए एल, बस हम निकल आए एक्स एल की वैल्यू आपने निकाला 240 रूट 3 अपान क्या करोगे, यहाँ पे ले आओ ये 2 इंटू पाई और फ्रीक्वेंसी आपको दिया 60, ये निकल के आ जाएगा आपका एल, एल ही तो चाहिए था आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 0 से 0 गया, 6 से कैंसिल करोगे 24 को, तो 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 2 को फिर से काटो तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2√3 अपान पाई आ जाएगा, 2√3 अपान पाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे दिया गया है कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच का सेपरेशन जो दिया गया है वो 4 मिलीमीटर के बराबर है। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है जिसका थिकनेस है 3 मिलीमीटर के बराबर और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 3 के बराबर है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस में कितना चेंज किया जाए कि बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे C1 आ रहा है तो वो कितना हो जाए 2/3 × C हो जाए, ठीक है। इसका मान लो कि C था तो जो C1 यहाँ पे आए वो 2/3 × C के बराबर हो जाए। तो कुछ करना नहीं, बस सीधे सीधे वैल्यू रखो, ठीक है। तो सी इजकल टू क्या होता है, एप्साइलन नॉट अपान डी, ठीक है, एप्साइलन नॉट ए अपान डी। अब यहाँ पे जब डायरेक्टिव फील करते हैं तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है, एप्साइलन नॉट ए अपान D1, हमने मान लिया कि बाद में इसके बीच के सेपरेशन हमने D1 कहते हैं, तो D1 माइनस टी और फिर क्या हो जाता है ब्रैकेट में 1 − 1/k, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका जब यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे कोई डायरेक्टिव कांस्टेंट है तब। अब ये किसके बराबर है, ठीक है, ये जो सी है मतलब जो C1 है वो 2/3 C के बराबर, तो सी की वैल्यू बदली है, बस कुछ नहीं करना, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 1 ये टी हो जाएगा, ठीक है, टी उसकी थिकनेस है, 1 − 1/k इजिकल टू 2/3 एप्साइलन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है, जो C1 आएगा 2/3 C के बराबर आएगा, तो एप्साइलन नॉट ए हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए बाकी सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, ठीक है, D1 आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है, तो अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे चलाएगा 3D, एक तरफ जाएगा 3D और दूसरी तरफ आएगा 2 × D1 − T। अब देखिए सब हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं, थिकनेस दिया था 3 मिलीमीटर, 1 − 1/k की वैल्यू दिया गया है 3, ठीक है, और डी की वैल्यू पहले कितना सेपरेशन था 4 मिलीमीटर था, तो डी भी रख लो, ये डी भी रख दो, तो ये हो जाएगा इंटू 4 मिलीमीटर कर दोगे, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब आपको चाहिए D1, तो बस अब आ जाएगा यहाँ पे 4, ये 2 से कैंसिल करो तो 2 आ जाएगा, 2 × 3 जाए, ये आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 मिलीमीटर भी आया है, D1 − 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 LCM लगे 3 − 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3, 3 गया कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो 2 इसमें जाएगा ऐड हो जाएगा, तो D1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 6 + 2, तो ये हो जाएगा 8 के बराबर, 8 मिलीमीटर में, सारी वैल्यू मिलीमीटर में रखी तो मिलीमीटर में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये अच्छा क्वेश्चन, कोई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, देखिए −Z∞ to +Z∞, मतलब जेड एक्सिस पे रखा हुआ, इसको ऐसे मान सकते हो ये वायर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ आ रहा है, पेपर की प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे कहा गया है कि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है 10/9 नैनो कूलाम दिया है, ठीक है, नैनो कूलाम पर मीटर दिया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है किस पॉइंट पे, 6, 8, 10 पे, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं, ये तो आपको दिया था क्वेश्चन में, ये हमने फिगर बनाया, तो ये मान लो कि ये पॉइंट जो है ये है आपका 6, 8, 10 पे, तो इसका एक्स कंपोनेंट 6 हो जाएगा, वाई कंपोनेंट 8 हो जाएगा, और जो जेड कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा वो हो जाएगा 10। लेकिन देखो यहाँ पे अब जेड एक्सिस पे तो वायर ही रखा है, तो उस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, ठीक है, तो जो जेड एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब 10 का यहाँ पे यूज नहीं करना आपको, बस 10 का हम एंगल निकालने में यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल निकालना चाहोगे आप तो ये थीटा कितना आ जाएगा, अब इसको अगर देखो तो ये इसको मान सकते हो 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये रेशियो अगर देखो तो यही तो आएगा 3, 4, 5 का, तो 5 और 3 इसके बीच एंगल आता है 53, ठीक है, यहाँ हो जाता है 37, ठीक है, ये इसका हम यूज कर लिए अपना यहाँ पे, ये याद रखो, ये एंगल जल्दी याद नहीं रहते तो इसको याद रखो, 5 और 3 के बीच का 53 होता है, दूसरा अपने आप ही हो जाएगा 37, ठीक है,
अब देखिए, अब आपको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू होता है 2k लैम्डा अपॉन डी। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, लैम्डा आपको दिया है 10/9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कर लो। ठीक है, नैनो कूलाम दिया तो माइनस 9 से हमने कर दिया मल्टीप्लीकाई। अब यहाँ पे डी दिया था, ठीक है, अब डी कैसे निकालोगे, यहाँ पे 10 दिया ही है, ठीक है, जेड एक्सिस से कितना दूरी पे है 10 सेंटीमीटर, ये पॉइंट कितना दूरी हो जाएगा यहाँ से, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पे होगा 10 सेंटीमीटर पे होगा, तो 10 रखो, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस से तो हमको निकालना है भाई, ये है जेड एक्सिस, ठीक है, इसी से दूरी निकालेंगे तो 10 ही आ जाएगा सीधे। ठीक है, अगर इसका करो, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 8 का स्क्वायर करोगे प्लस 6 का स्क्वायर करोगे तभी तो 10 ही आएगा। तो डायरेक्ट जब 10 दिया है तो हम ये क्यों करेंगे। अब यहाँ से देखो 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बच रहा है 10 आपका, 10 और 10 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 9 प्लस 9 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे है 10 की पावर माइनस 2। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2, और ऊपर ये चला जाएगा 10 की पावर, ये क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, 2 बच रहा है, यहाँ 10 की पावर माइनस 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 200 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, E की वैल्यू कितनी आ गई 200 के बराबर आ जाएगी। लेकिन अब देखो, अभी ऐसे तो निकाल नहीं सकते, अब दोनों जगह चाहिए हमको, एक्स एक्सिस पे भी होगा और वाई पे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा कितना, मैग्नीट्यूड इसका है 200। अब इसका देखिए, ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, ये हो जाएगा साइन कंपोनेंट। ठीक है, तो कॉस कंपोनेंट तो हो जाएगा कॉस 53। ठीक है, तो कॉस 53 प्लस 200, वाई एक्सिस में क्या होगा साइन 53 हो जाएगा। ठीक है, साइन 53 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जैसे जे हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। ठीक है, एक्स कंपोनेंट क्या होता है आई और वाई होता है जे, बस वैल्यूज रखो तो 200 कॉस 53। ठीक है, कॉस 53 अब क्या होता है, कॉस बेस अपान हाइपरटेनियस। ठीक है, तो बेस अपान हाइपरटेनियस होता है, तो बेस आपका दिया है 6 या 3, जो भी रेशियो तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मान लो आप 3/5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 3/5 आई प्लस ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपरटेनियस होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 4/5, ये 200 है ध्यान रखना। तो यहाँ से 5 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 40, यहाँ से 5 को कैंसिल करोगे ये भी आ जाएगा 40, 40 × 3 120 ऑफ आई प्लस 160 जे, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा न्यूटन पर कूलाम के बराबर। दिया गया है 6 × 10 की पावर 24, इसको कह रहा है कंप्रेस किया जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 3 × 10 की पावर 8, इतना कंप्रेस कर दिया गया। तो आपको उसका रेडियस बताना है, उस स्फीयर का जिसको कंप्रेस करके बनाया गया उसका रेडियस आपको बताना है। तो देखिए, हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से बैलेंस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 m, और इसके वेलोसिटी का है तो ve² का, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो gme m/re के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको वैल्यूज रखना है, आंसर आ जाएगा। तो m से m यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, और आपको चाहिए r, तो r एक तरफ ले लो, बाकी सारी चीज़ों के एक तरफ। g की वैल्यू क्या होती है, 6.6 × 10 की पावर माइनस 11 इंटू मास आपको दिया गया 6 × 10 की पावर 24 अपान क्या करोगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 2 इस तरफ ले जाओगे तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो अपान v² की वैल्यू दिया था 3 × 10 की पावर 8, तो हो जाएगा 9 × 10 की पावर 16। ठीक है, इसको सॉल्व, 16 ऊपर जाएगा तो 16 और 11 ये हो जाएगा 27, -27 होगा पावर। ठीक है, तो -27 और +24 तो यह आ जाएगा -3, तो 10 की पावर -3 ऊपर आ जाएगा। और थोड़ा और इसको सिंपलीफाई करो तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और 3 से इसको कैंसिल करो तो 2.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा, तो 3 × 2.2 × 2, और ये यहाँ पे क्या है 24, तो खत्म हो गया था, 10 की पावर -3 बचा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 9 मिलीमीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे कोई रॉकेट है जिसको फायर किया गया, इसकी स्पीड दी गई है 3√gr के बराबर। ठीक है, अर्थ सरफेस से व्हाट विल बी द स्पीड एट इंटरस्टेलर स्पेस, इसकी स्पीड बतानी है। तो क्या करोगे, इसको टोटल एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी का लगाओ कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फेनाइट। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, 1/2 m v आपको दिया गया 3√rg। ठीक है, तो 3√rg दिया, ठीक है, कैपिटल R दिया है, आरजी, तो 1/2 mv², और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी होती है -½gmm/r के बराबर इज इक्वल टू, वहाँ तो इन्फेनाइट वेलोसिटी होगी तो 1/2 mv² प्लस इन्फेनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, तो v इन्फेनाइट ही तो निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखिए m है, / 2 नहीं है, तो यहाँ पे / 2 करो और 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तो m / 2 और m / 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, इसको स्क्वायर करो तो हो जाएगा 9 आर जी
यहाँ पे माइनस हो जाएगा जी एम अपॉन आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वी इन्फाइनाइट का स्क्वायर। ठीक है, जी के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पे क्या करो, आर से डिवाइड करो, आर से मल्टीप्लाई कराओ, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा जी के बराबर। तो 9g अपॉन जी आर, ठीक है, 9rg माइनस rg तो हो जाएगा 8rg के बराबर, ये हो जाएगा 8rg इक्वल टू वी इन्फाइनाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे वी इन्फाइनाइट क्या आ जाएगा 2√2rg के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी था, देखिए थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2gr, तो 9 माइनस 2gr जब करोगे तो 9rg माइनस 2g तो 7rg आएगा। ठीक है, तो वी इनफाइनाइट का अंडर रूट 7rg आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप लोग भी, कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आसान क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड पूछा गया है। ठीक है, किसी ब्लैक बॉडी से टेम्परेचर दिया गया 600 केल्विन टू 900 केल्विन, सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन, तो ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी एस, ये है सराउंडिंग का, तो ये हो जाएगा ई वन अपॉन ई टू, सिग्मा कोई मतलब नहीं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब वन नीचे टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा 600 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 अपॉन कितना दिया है 900 दिया है, तो 900 की पावर 4 माइनस आप सराउंडिंग का, तो वही टेम्परेचर है 3 की पावर 4, देखिए यहाँ पे 300 की पावर 4 ले लो कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 की पावर 4 आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 300 इंटू 2, तो यहाँ पे केवल और केवल बचेगा 2 की पावर 4 माइनस 1, और नीचे भी कॉमन ले लो 300 की पावर 4, तो इन साइड क्या बचेगा 3 की पावर 4 माइनस हाफ 1, ये हो जाएंगे कैंसिल, इसका 2 की पावर 4 करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 1 तो ऊपर आ जाएगा 15, और यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा फिर कितना 27 3 जा 81 81 माइनस 1 तो हो जाएगा 80, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 अपॉन 80। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, अगर 5 से इसको कैंसिल करो तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 16 जा हो जाएगा 180 के बराबर, तो ये आ जाएगा 3/16 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई गैस है, ठीक है, इसका स्टेट ए से ले जाया जा रहा है स्पीड वी पे, ठीक है, स्टेट वी पे ले जाया जा रहा है, कितना हीट अब्जॉर्ब कर रही है, यहाँ पे दिया गया है डेल्टा क्यू दिया गया 8 × 10⁵ जूल, ठीक है, वर्क डन बताया गया यहाँ पे कितना हो रहा है 6.5 × 10⁵ जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। बाद में कह रहा है इफ़ इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेम टू स्टेट इन अनदर प्रोसेस, कोई प्रोसेस यहाँ पे चेंज कर दिया गया, ठीक है, तो वो कितना हीट अब्जॉर्ब कर रहा है 10⁵ जूल के बराबर, तो इन द सेकेंड प्रोसेस आपको बताना है वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए वर्क डन क्या होता है, देखिए डी क्यू इजकल टू क्या होता है डी डब्ल्यू प्लस डी यू, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है स्टेट पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, कल यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो डी यू यहाँ से निकालोगे तो डेल्टा क्यू दिया है 5 × 10⁵, तो 5 × 10⁵, और ये डेल्टा डब्ल्यू इधर माइनस कर दोगे तो 6.5 × 10⁵, ये निकल के आ जाएगा आपका डी यू, तो ये आ जाएगा 8 माइनस करोगे यहाँ पे 6.5 × 10⁵ आ जाएगा डी यू। अब दोबारा आपको क्या करना है, कितनी एनर्जी दी गई 10⁵ एनर्जी दी गई है, डेल्टा डब्ल्यू आपसे पूछा गया है प्लस डी यू आपको पता है 1.5 × 10⁵, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा −0.5 × 10⁵, ठीक है, 1 − 1.5 करोगे तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा डब्ल्यू, माइनस है तो क्या होगा वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव होता तो वर्क डन बाय द गैस होता, लेकिन यहाँ वर्क डन ऑन द गैस होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे कहा गया है कि व्हेन क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई टू द आइडियल मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस से क्यू हीट सप्लाई किया गया है, द गैस परफॉर्म क्यू बाय टू वर्क अमाउंट, ठीक है, क्यू बाय टू वर्क किया गया है। अब इसमें ये पूछा ही नहीं गया कि पूछा क्या गया क्वेश्चन में, ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख के पता चला कि इसमें शायद सी पूछा गया है, ठीक है, तो सी हमको निकालना है यहाँ पे, तो फिर वही फार्मूला फ्लॉट लगाओ, फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू की वैल्यू तो क्यू दिया गया है, डेल्टा यू यहाँ से हमको निकालना है, वर्क डन कहा गया क्यू बाई टू है, तो जो डेल्टा यू निकल के आ जाएगा तो क्यू माइनस क्यू बाई टू करोगे तो क्यू बाई टू निकल के आ जाएगी डेल्टा यू, ठीक है। अब डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, या किसी के लिए एफ बाई टू एन आर टी होता है, तो एफ की वैल्यू मोनोटॉमिक के लिए होती है 3, तो 3/2 nR∆T, ठीक है। अब देखिए ये किसके बराबर है, क्यू बाई टू के बराबर है, ये दिया गया आपको क्यू बाई टू के बराबर, और अगर क्यू की वैल्यू देखा जाए तो क्या होती है nC∆T, अब सी आपको निकालना है, ठीक है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एन आर टी, ठीक है, क्यू अपान सी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान n∆T हो जाएगा, n∆T के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब क्यू की वैल्यू रख दो यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे या तो क्यू की वैल्यू रखो, तो क्यू की वैल्यू जब रखोगे तो क्यू की वैल्यू क्या रखोगे nC∆T, तो क्यू यहाँ पे हटाओ, इसको लिखो nC∆T, ठीक है, डेल्टा थीटा मत लिखो, डेल्टा टी लिखो। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा आपको, क्या बचा n∆T, तो n
ये कट जाएगा आपका एन और डेल्टा टी, यहाँ पे आर बचा रहेगा, टू से टू कट जाएगा तो यहाँ पे थ्री आर बचा, इधर क्या बचा सी, तो सी इजकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे थ्री आर। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि आता है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्वेश्चन तो यहीं लग जाता। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई लॉन्ग मेटेलिक हॉलो पाइप है, ठीक है, जिसका लेंथ दिया गया स्मॉल एल दिया गया, रेडियस आर है जो कि लेंथ से बहुत कम है, ठीक है, ये चार्ज कैरी कर रहा है कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके ऊपर, पाइप को रोटेट किया जाता है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप ऑफ लेंथ वन बाई एल बाई हंड्रेड, एल बाई हंड्रेड लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, चार्ज क्यू दिया गया। तो देखो अगर करंट की बात की जाए तो करंट क्या होगी, क्यू अपान टी होता है, क्यू अपान टी, तो टी आपको दिया नहीं गया तो टी की जगह क्या रखोगे, टू पाई बाई ओमेगा रखोगे, ठीक है, यहाँ पे टी लिख लो भैया समझ में ना आए तो। टाइम पीरियड क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा, तो टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, तो ये तो आ गया आपका करंट। अब करंट पर यूनिट लेंथ अगर देखी जाए, ठीक है, जितने पूरे लेंथ में कितनी करंट होगी, तो एल अपान यूनिट लेंथ में देखना, तो आई अपान एल होगा, तो क्यू ओमेगा अपान टू पाई बाई एल कर दोगे, तो ये आ जाएगी यूनिट लेंथ में इतनी करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका एम्पियर सर्किट ला होता है, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है, आई डैश वही जो निकाला है आपने पर यूनिट लेंथ। तो देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसमें म्यू नॉट मल्टीप्लाई कराओ तो वी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्यू ओमेगा टू पाई एल, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका म्यू नॉट वी आ जाएगा। अब एनर्जी स्टोर क्या होता है, जो भी एनर्जी होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम करोगे, ठीक है, टोटल एनर्जी चाहिए तो इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, बस आपको ये वाली टर्म पूरा स्क्वायर कर देना, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर टू पाई का टू का स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम करना, तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर इनटू एल करोगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर दिया था क्या, हाँ रेडियस स्मॉल आर दिया था, ठीक है, तो स्मॉल आर इंटू एल, अब कितना एल आपको लेना है, कितना वॉल्यूम में, क्योंकि एल बाई हंड्रेड लेंथ में पूछा गया तो उसी का वॉल्यूम भी लोगे, तो एल बाई हंड्रेड कर लोगे, ठीक है, तो एल से एल एक कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे आर स्क्वायर तो रह जाएगा, तो बस अब क्या बचेगा यहाँ पे, क्यू एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बचेगा, क्यू स्क्वायर बचा रह जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी बचा रह जाएगा यहाँ पे, और आर स्क्वायर, ठीक है, ये स्मॉल आर स्क्वायर भी बचाएगा, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये बच रहा है फोर, ठीक है, पाई बच रहा है, हंड्रेड बच रहा है, और कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे, थोड़ी सी, और ये टू भी बच रहा है, ठीक है, तो फोर इंटू टी हो जाएगा एट, एट इंटू हंड्रेड तो आ जाएगा एट हंड्रेड पाई इंटू एल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है किसी स्टेट कंडक्टर में जिसका लेंथ दिया गया 16 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक इंडक्शन आपको बताना है एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आइदर एंड ऑफ दी वायर, एंड से कितना 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तो इस एंड से भी 10 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर, अब ये कितना दिया है 16 सेंटीमीटर दिया था, तो इसको 20 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 8 सेंटीमीटर नीचे भी 8 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये आपकी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 6, तो इसको भी रेशियो अगर निकालो तो आ जाएगा 5, आ जाएगा 3, आ जाएगा 4, ये क्यों निकालें, क्योंकि इससे एंगल पता चल जाएगा, तो एंगल कितना हो जाएगा, 5 और 3 के बीच कितना होता है 53 होता है, ठीक है, 53 होता है, बस अब सिंपल फार्मूला लगाओ, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, फिर क्या होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है, तो अब इस फार्मूले में हमको वैल्यू रखना है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 7, आई की वैल्यू दिया है 1 एम्पियर, बाई हो जाएगा 4 पाई इंटू आर की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रख लो, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 दोनों सेम है तो हो जाएगा 2 इंटू साइन 53 आएगा, ठीक है, 53 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 बाई 5, तो सीधे लिख दो 8 बाई 5, छोड़ो यहाँ पे लिखो 8 बाई 5, ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचा रहेगा, ऊपर बच जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 जा 30, तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, तो एक पॉइंट जीरो हटा दो तो यहाँ 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस 1, तो माइनस 6 है तो प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 एक कम हो जाएगा तो माइनस 7 था तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 8 बाई 3 10 की पावर माइनस 6 पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए लाइट में फ्लक्चुएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट बराबर आ जा रही है, ठीक है, मेरे पास कोई और बड़ा सिस्टम है नहीं तो इसलिए इसी में काम चलाना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है कि दो कार हैं, ठीक है, ये कार है, ये कार मैंने बनाने की कोशिश की है, आर्ट में मुझे बहुत कम नंबर मिला था, तो इसका एक्सेलरेशन A1 दिया है, दूसरे का एक्सेलरेशन A2 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि A रीचेज T टाइम्स अर्लियर देन द B, ठीक है, ये B कार है तो ये पहले पहुँच जा रही है, कितना टाइम पहले, T टाइम पहले पहुँच जा रही है B से, ठीक है,
और दोनों की जब फिनिश लाइन के पास पहुंचते हैं तो दोनों की वेलोसिटी दी गई है वी वन और वी टू, और वी वन और वी टू का डिफरेंस कहा गया है कि वी के बराबर है, ठीक है। वी वन और वी टू का डिफरेंस भी है, तो वी वन माइनस वी टू हमने क्यों लिख दिया भाई, डिफरेंस है तो वी टू माइनस वी वन भी होना चाहिए। तो भाई जो पहले पहुंच रहा है, पहले ही कह दिया कि जो ए है वो पहले पहुंच रहा है, ठीक है, टी टाइम्स पहले पहुंच जा रहा है, जिसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी, तो उसको हमने लिख दिया वी वन माइनस वी टू इक्वल टू वी। तो यही आपको बताना है यहाँ पे कि वी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए दोनों डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही चलेंगी ना, दोनों का क्या है डिस्प्लेसमेंट सेम चलेंगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का बराबर करें तो क्या लगाओगे, एस इजकल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो सीधे हाफ ए टी स्क्वायर कर दोगे। तो पहले काम लिख दें कार ए का, ठीक है, तो हाफ ए टी स्क्वायर इसका दिया है ए वन, और टी स्क्वायर हम क्या रखेंगे इसका, ठीक है, इसका तो टी स्क्वायर ही रखोगे, ठीक है। टी नॉट मान लो कि ये टी नॉट टाइम में पहुंच रहा है, ठीक है, ये टी नॉट टाइम में पहुंच रहा है, अभी बता रहे हैं कि ये अर्लियर पहुंच रहा है टी टाइम से, तो इसको कितना टी नॉट प्लस टी लगेगा, ठीक है, इसका कितना टाइम लगेगा टी नॉट प्लस टी टाइम लगेगा, इसको टी नॉट लगा था तो ये कितना लेट हो जाता है इससे टी टाइम लेट। तो बात तो एक ही, या तो वो टी टाइम पहले पहुंच जाए या टी टाइम बाद पहुंचे, ठीक है, तो बात तो वही है। तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए टू और टी स्क्वायर, इसमें क्या करोगे टी नॉट प्लस टी का स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे वी वन माइनस वी टू आपको दिया गया, तो यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या, अब V1 अगर देखा जाए तो हाँ पहले V1 V2 निकाल लो, तो यहाँ से V1 क्या हो जाएगा जो A1 हो जाएगा इंटू टी नॉट, और V2 क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन कितना दिया A2, और टाइम यहाँ पे कितना लगा T नॉट प्लस T के बराबर। तो यहाँ पे V1 और V2 का रिलेशन निकला, तो V1 माइनस V2 का रिलेशन आपको V दिया गया, ठीक है। अब यही V पूछा है, यहाँ से A1 अपान A2 का रेशियो आप निकाल लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको कैलकुलेट करके देख लेना, बाकी कुछ है नहीं, क्योंकि इससे अगर इसको हम कैलकुलेट कर लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी चलेगी। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप कर लेना। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी रूट A1 A2 इंटू टी के बराबर, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है और पिछले जो पेपर कराया था उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, दो रह गए थे, तो एक आज कराऊंगा एक नेक्स्ट पेपर में कराऊंगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बने। थंबनेल भी होता है 60 मिनट में 45 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से, एंगल दिया गया 60 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है इसकी ट्रेजेक्टरी का, एट एन इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, जब वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर हो जा रही है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के, तो उस टाइम आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, ठीक है। तो आप देखिए, एक तो तरीका होता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है और फाइनल वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो वो जीरो आना चाहिए, जब 90 डिग्री पे होंगे तो जीरो होगा, तो वो तो कॉन्सेप्ट लग सकता है भाई, हमेशा लगता है वो। इसकी डायरेक्शन निकाले, इसकी डायरेक्शन निकाले, दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 90 के बराबर होना चाहिए भाई, 90 कहा गया क्वेश्चन में, तो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट उसका जीरो, वहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो अगर ये 60 डिग्री पे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितने 60 डिग्री पे है, तो अगर फाइनल वेलोसिटी यहाँ से 30 पे हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में 90 डिग्री पे हो जाएंगे। तो वही तो हमने किया है, वेलोसिटी यहाँ से चली, मान लिया कि यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ जो ये वेलोसिटी है तो इस वाले एंगल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना आ गया 30 पे, तो ऊपर से कितना है 30, तो ये 90 पे तो हो जाएगा। तो बस अब क्या फ़ायदा आप सॉल्व करके, ऐसे कॉमन सेंस लगा के जब काम हो जा रहा है तो क्यों डॉट प्रोडक्ट आप निकालने जाओगे, ठीक है। तो अगर आप देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो चेंज नहीं होता है, हर बार एक क्वेश्चन आया है, तो ये हो जाएगा 20 और cos 60 की वैल्यू होती है 1 बाई टू इजकल टू v cos 30, ठीक है, v cos ऑफ 30, cos 30 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई टू के बराबर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 20 बाई रूट 3, तो जो v की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 20 रूट 3 के बराबर, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये तो आ गई वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ठीक है, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। तो अगर ए सी की बात करी जाए यहाँ पे, तो ए सी क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा के बराबर होगा भाई, जी कॉस थीटा ही तो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो तो क्या होगा, जी कॉस थीटा होगा भाई। अरे भाई, इसमें आपको चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करोगे, जी का अगर कंपोनेंट यहाँ पे लोगे तो क्या आएगा, जी कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ए सी हो जाएगा वो हो जाएगा जी कॉस 30 के बराबर, ठीक है। तो ये जी कॉस 30 मतलब 10, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाई 2, रूट 3 है ये, तो ये हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वी बाई आर के बराबर होता है, ठीक है, वी बाई आर के बराबर होता है आपका ए सी। तो आपको चाहिए आर, तो वी स्क्वायर अपान ए सी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आर निकालने के लिए वी स्क्वायर अपान ए सी, वी स्क्वायर करोगे तो वी इंटू वी अपान 3 का रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 अपान जो आपका ए सी निकल के आया है वो 10 रूट 3 बाई 2 के बराबर आया, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 20 कितना हो जाएगा 40, 40 ये 2 भी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 80, तो 80 अपान 3 रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 अपान 3 रूट 3 के बराबर।
क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक एल शेप का कोई रॉड है, ठीक है, एल शेप रॉड है यहाँ पे, ये इसका एल लेंथ है और इसकी भी एल लेंथ है, ठीक है, इसको एल शेप दिया गया है और इसको इस पॉइंट से हैंग किया गया है। तो आपको बताना है कि द एंगल थीटा सच दैट द रॉड रिमेन स्टेबल। तो रॉड अगर स्टेबल है तो यहाँ पे लगने वाला जो टॉर्क होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो, ठीक है, टॉर्क जीरो होना चाहिए तभी स्टेबल होगा। तो देखिए अब टॉर्क कैसे निकाला जाए, तो अब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो यहाँ से देखिए अब जिसका मास लगेगा एम जी नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, इसका जो वेट होगा नीचे लगेगा, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमको, ठीक है, तभी तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ क्रॉस आर होता है, तो एफ नीचे की तरफ लगेगा तो ये आर आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आर निकालने के लिए ये हो जाएगा आपका एल बाई टू, ठीक है, इतनी लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ सेंटर ऑफ मास इसका हाफ लेंथ पे होगा, ठीक है, तो एल बाई टू होगा। तो इसको निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आर जो आएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा एल बाई टू साइन थीटा, ठीक है, तो ये आर हो जाएगा आपका एल बाई टू साइन थीटा के बराबर, या इस वाले ग्राफ में समझिए, ये बड़ा वाला बनाया हमने इसीलिए समझाने के लिए बनाया था इसको। तो ये पूरा लेंथ एल था तो ये कितना हो जाएगा एल बाई टू, तो ये आर निकालोगे तो आर आ जाएगा आपका एल बाई टू साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करी जाए तो दूसरा वाला जो यहाँ पे है, तो अब इसका जो यहाँ पे लग रहा है एम जी नीचे की तरफ ये भी लगेगा, ठीक है, तो अगर इसको नीचे लाया जाए जैसे यहाँ से ये लाइन नीचे आएगी इस पर, तो ये से पूरा नीचे लाया तो ये पूरी लेंथ जो निकल के आएगी ये किसके बराबर होगी, ये पूरा एल है तो ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा के बराबर, तो ये पूरा हो जाएगा आपका एल साइन थीटा के बराबर। लेकिन जो आपका ये एम जी लग रहा है तो वो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे लग रहा होता तब ये पूरा ले लेते आप, ये तो यहाँ पे लग रहा है, तो इसको अगर ऊपर बढ़ाओगे तो आपको इतना पार्ट चाहिए, ठीक है, आपको क्या चाहिए इतना ही पार्ट चाहिए, तो इतने पार्ट के लिए आप इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अब ये हो जाएगा एल बाई टू, ये आपको निकालना है, तो ये आ जाएगा आपका इतना पार्ट आर डैश, मान लो तो ये हो जाएगा एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, तो टोटल कितना है एल साइन थीटा है, लेकिन इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि हमको इतना ही चाहिए, क्योंकि यहीं पे अगर इसका जो वेट है यहीं लग रहा है तो टॉर्क केवल यही ऐड करेगा यहाँ से इतनी दूरी पे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा एल साइन थीटा माइनस ऑफ एल बाई टू कॉस थीटा, और पहले कितना टॉर्क लग रहा था इस रॉड की वजह से एल बाई टू साइन थीटा अपन इंटू एम जी करना पड़ेगा, तो टोटल टॉर्क जो आएगा तो ये क्या होगा पहले रॉड के लिए अगर देखा जाए तो एम जी एल बाई टू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस में टॉर्क कितना रहेगा, प्लस टॉर्क, अब देखिए ये क्या हो जाएगा एम जी, तो यहाँ पे हमको क्या करना, टोटल लेंथ ये कितना था एल साइन थीटा माइनस ऑफ एल बाई टू कॉस थीटा, ठीक है, बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको किसके बराबर करना है जीरो के बराबर, क्यों जीरो के बराबर करेंगे हम, क्योंकि टोटल जो टॉर्क आना चाहिए वो आना चाहिए जीरो, तभी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक। तो साइन थीटा वाला टर्म एक तरफ रख लेना, कॉस थीटा वाला एक तरफ ले जाओ, तो ये है हाफ एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये एम जी को इन साइन मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा थ्री बाई टू एम जी एल साइन थीटा के बराबर, और दूसरी तरफ ये माइनस में है तो इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो एम जी एल बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा, तो एम जी एल बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, जो कैंसिल आउट है उसको कैंसिल करो, एम जी एल यहाँ पे जी छूट गया क्या, हाँ एम जी एल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई टू भी चला जाएगा, एम जी एल बाई टू चला जाएगा, साइन थीटा इधर है इस तरफ ले आओ तो आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा और ये थ्री ऊपर है तो चला जाएगा नीचे, दूसरी तरफ हो जाएगा वन बाई थ्री, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वन बाई थ्री, तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इजकल टू टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इजकल टू वन बाई थ्री, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई थ्री के बराबर, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, कोई रोप है जिसका लेंथ दिया गया है 10 मीटर के बराबर, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी दी गई 0.5 किलोग्राम पर मीटर के बराबर, ठीक है, इसको कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी हुई है, इसमें एक फोर्स लगाया जा रहा है 25 न्यूटन का, तो टेंशन आपको बताना है पॉइंट ऑफ एक्शन से 6 मीटर पीछे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ से 6 मीटर पीछे आपको टेंशन बताना है, तो टेंशन के लिए पहले हम क्या करें एक्सेलरेशन निकाल लें, तो एक्सेलरेशन के लिए हमको मास और फोर्स चाहिए, तो मास पर यूनिट लेंथ दिया गया आपको 0.5, तो टोटल लेंथ आपको 10 दिया है, तो 10 इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो मास जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 5 केजी के बराबर। अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एफ अपान एम, एफ दिया है 25, एम निकल के आया 5, तो जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे टेंशन चाहिए, ठीक है, तो टेंशन यहाँ पे क्या एम ए के बराबर लगेगा टेंशन, ठीक है, हेंस द टेंशन इन द रोप एट द पॉइंट 6 अबे, ठीक है, एम इंटू ए के बराबर लगना चाहिए, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा टी क्या होगा एम ए के बराबर होगा, तो टेंशन टी इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू एम, अब एम इसका क्या हो जाएगा, देखिए भाई 6 मीटर का जो भी लेंथ मास आएगा वो कितना है 5 केजी के बराबर है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया है 0.5 है, तो यहाँ इसकी लेंथ कितनी बचेगी 4 मीटर बचेगी, तो 4 मीटर से इसको जो मल्टीप्लाई कराओगे तो इसकी मास निकल के आ जाएगा, तो 0.5 इंटू 4 करोगे तो 0.5 इंटू 4 ये हो जाएगा मास, और एक्सेलरेशन आपका निकला 5, तो
ये हो जाएगा 2, और 2 और 5 ये हो जाएगा 10 के बराबर, तो कितना आएगा 10 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे टेंशन। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे कहा गया कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स है, इसका हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाई के मीन लाइफ के बराबर है। ठीक है, ये वाई एलिमेंट है, इसका मीन लाइफ है और इसका हाफ लाइफ है एक्स का। ठीक है, ये करा दोनों बराबर में। बोथ द सिस्टम है द सेम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इनिशियल जो नंबर ऑफ एटम है दोनों में सेम है। अब हमें हम ऑप्शन मैच कराएं, तो देखिए टी हाफ जो होता है, तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, लैम्डा एक्स हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो मीन लाइफ होती है तो 1/लैम्डा होता है। ठीक है, 1/लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लैम्डा वाई लिख दो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693, मतलब कि ये क्या है, एक से कम है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो लैम्डा वाई जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइड को, तो लैम्डा एक्स की वैल्यू सीधे अगर देखो तो क्या है 0.6 के बराबर, 0.69 लैम्डा वाई 1 के बराबर। तो यहाँ पे लैम्डा वाई जो होगा वो ज़्यादा होगा लैम्डा एक्स से। ठीक है, लैम्डा वाई क्या है, लैम्डा एक्स से ज़्यादा है। अगर रेट देखा जाए डीके का, ठीक है, डीके रेट अगर देखोगे तो क्या होता है एन लैम्डा के बराबर। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा है उसका डीके रेट भी ज़्यादा, पता चल गया ना यहाँ पे। तो जिसका डीके रेट ज़्यादा है उसका लैम्डा, नहीं, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका डीके रेट ज़्यादा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो y होगा तो उसका जो डिके रेट होगा फास्टर होगा। तो सी ऑप्शन में दिया गया आपका, y विल डिके एट ए फास्टर रेट देन x। क्वेश्चन नंबर 24, अगेन ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछा गया है कार्बन का। ठीक है, कार्बन का मास दिया गया है mc 12 दिया गया, 12 u, और मास आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन होता है, यहाँ पे 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। मास डिफेक्ट आपको निकालना है डेल्टा m। तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन माइनस आप जो कार्बन का मास है उसको करोगे तो डेल्टा m यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे डेल्टा m। जो डेल्टा m निकल के आएगा यहाँ पे आएगा 0.099। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करना भैया, 6 से इसको मल्टीप्लाई कराओ, फिर 6 से इसको कराओ, दोनों का ऐड करो, माइनस आप 12 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.099 के बराबर। अब 1 यूनिट चेंज में कितना जो एनर्जी कितना होती है इसकी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लेकिन अब 0.09 है डीएम के बराबर, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको चाहिए, पर न्यूक्लियन चाहिए, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना आ जाएगा 931 × 0.099। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है 12, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये हो जाएगा 92 के आसपास। ठीक है, 92.1 आसपास आएगा, तो 92 ही रखो, यहाँ पे हो जाएगा 12। तो इसको जब कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, लगभग 7.5 के आसपास आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया 7.6, तो यहाँ पे हो जाएगा 7.68 के बराबर। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया, यहाँ पे कोई पेंडुलम दिया गया आपको, इसका टाइम पीरियड टी है, वाटर के अंदर ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, SHM कर रहा है। वेल द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द वॉल्व इज टी नॉट इन द ईयर, ईयर में कितना है टी नॉट के बराबर दिया गया है। कह रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वाटर का, उसको अगर निगलेक्ट कर दिया जाए और वॉल्व की डेंसिटी दी गई है 4/3 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड टी नॉट के बीच में आपको रिलेशनशिप चाहिए। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2πL/g। ठीक है, तो एल में तो कोई चेंज होगा नहीं, पानी में ले जाओ या तेजाब में ले जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो जी में आएगा, तो जी इफेक्टिव आपको निकालना पड़ेगा। तो जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा, अब देखिए जो mg उसका वेट लग रहा होगा तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, तो वो जी के वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू आती है, जी डैश क्या हो जाता है, जी रो माइनस सिग्मा अपान रो। ठीक है, ये हो जाता है आपका जी इफेक्टिव। तो आपका जब टी निकल के आ जाएगा तो टी क्या होगा यहाँ पे 2πL/g। ठीक है, L/g रखोगे तो जी डैश की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा आपको, जी रो माइनस सिग्मा अपान रो करोगे तो रो चला जाएगा यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब T/T0 करोगे। ठीक है, तो T/T0 की बात की है तो T0 क्या हो जाएगा, 2πL/g हो जाएगा सीधे। ठीक है, L/g हो जाएगा, तो इसको यहाँ से हटाओ, पूरा रूट के अंदर रख दो। ठीक है, और इसको करो डिवाइड, तो यहाँ से 2π 2π कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से L/g और ये L/g भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T/T0 क्या आ जाएगा यहाँ पे, T/T0 यहाँ पे हो जाएगा रो। ठीक है, और रो की वैल्यू आपको दी गई थी 4 × 4/3 × 10³। ठीक है, 4/3 × 10³ अपान, यहाँ पे रो माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 10 की 4000 लिख दो सीधे इसको, 4000
बाई 3 माइनस 1000, ठीक है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, माइनस 1000 होता है, बस इसको सॉल्व करो आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, तो जो यहाँ पे टी आएगा वो 2t0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आसान क्वेश्चन है। एम मास से कनेक्टेड है दो स्प्रिंग से, स्प्रिंग कांस्टेंट 2k और k दोनों का बताया गया है, ठीक है। इसमें लिखा भी है, मैंने डायग्राम बना रखा है। एट इक्विलिब्रियम बोथ स्प्रिंग कंप्रेस एट सेम लेंथ, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर दोनों स्प्रिंग में जो कंप्रेशन हम मान लेते हैं कि एक्स एक्स है, ठीक है, इसमें एक्सटेंशन होगा, इसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है। इफ सडनली लोअर स्प्रिंग कट, यहाँ पे अगर इसको काट दिया जाए तो आपको बताना, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर स्प्रिंग कट, जैसे स्प्रिंग को काटेंगे तो उसका एक्सेलरेशन आपको बताना। तो ऊपर की तरफ होगा, ये तो हमको पता है भाई, ऊपर ही जाएगा ब्लॉक। तो अब देखिए, अब अगर पहले देखा जाए यहाँ पे तो क्या होगा, 2kx जो होगा, ठीक है, यहाँ पे जितना भी कंप्रेशन होगा कितना के बराबर हो जाएगा, एनर्जी इसमें क्या होगी, जो फोर्स लगेगा इस पर कितना, kx होता है, fh क्या होता है, kx होता है, तो इसमें 2k है, तो इधर 2k और कंप्रेशन एक्सेलरेशन दोनों में सेम है, ठीक है। तो 2kx क्या हो जाएगा, अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, mg इस पे लग रहा है, तो mg और प्लस हाफ इसका जो फोर्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा kx, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो तो mg निकल के आ जाएगा kx के बराबर, ठीक है। तो mg किसके बराबर हो जाएगी, kx के बराबर। अब कह रहा है कि अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए, तो अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए तो नेट फोर्स जो नीचे लगेगा, ठीक है, नीचे जो नेट फोर्स लगेगा कितना लगेगा, के एक्स और एम जी तो लगेगा, क्योंकि अब इसका मतलब कुछ नहीं, जब ये काट दिया गया तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ पे आ जाएगी अपने, ठीक है। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा इस पर, के एक्स प्लस एम जी के बराबर लगेगा। और आपको मैंने बताया के एक्स किसके बराबर है, एम जी के बराबर, तो इसका मतलब हम के एक्स को एम जी से रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 2mg के बराबर, ठीक है। तो एफ कितना आ गया, 2mg आ गया। आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है तो मास से इसको डिवाइड करो, तो मास से डिवाइड करो तो 2g के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 2g हो जाएगा और ये डाउनवर्ड ही रहेगा, ठीक है, कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पे क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्स रे जनरेटेड फ्रॉम द एक्स रे ट्यूब, कौन सा इसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, वेवलेंथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे डिक्रीज व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट इंक्रीज। देखिए एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ये सही है। तो इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होगा एक्स रे का वो डिक्रीज करेगा अगर एटॉमिक नंबर को बढ़ाया जाए तो, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया, कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट, ये भैया गलत है। जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है वो डिपेंड करती है आपकी एटॉमिक नंबर पे, यानी कि जेड पे डिपेंड करती है किसकी वेवलेंथ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे होती हैं उनकी वेवलेंथ डिपेंड करती है, वो कंटिन्यूअस की डिपेंड नहीं करती। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत यहाँ पे, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, टू डिक्रीज द कट ऑफ वेवलेंथ कंटिन्यूअस एक्सरे बाई 25% द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी एक्सरे ट्यूब। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा इसका फार्मूला, तो फार्मूला आपका निकल के आता है इसमें लैम्डा का जो आता है वो आता है एच सी अपान ई वी के बराबर, ठीक है। आपको चाहिए लैम्डा में चेंज, बाकी चीज़ें कांस्टेंट, तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, तो लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी की पावर माइनस वन, ठीक है। लैम्डा में चेंज आपको बताना है, वी कहा गया है, मैंने इसका फार्मूला बताया था, परसेंटेज चेंज इन लैम्डा अगर निकालना है तो यहाँ पे अगर पावर में माइनस है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन तो यहाँ पे माइनस होता है, अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो माइनस परसेंटेज चेंज इन लैम्डा, तो परसेंटेज चेंज इन वी दिया है 25% अपॉन 100, और पावर जो हो, ठीक है, तो पावर माइनस वन है और माइनस हाफ वन इंटू 100, ठीक है, इसको याद कर लो, ठीक है। बस ये याद रखना कि अगर इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, पावर में माइनस हो तो यहाँ पे माइनस कर देना, वही पावर यहाँ भी रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाई 4, 25/100 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 1 - 1/4 तो आ जाएगा 3/4, लेकिन पावर में माइनस वन है, ठीक है, माइनस वन इंटू 100 है, ठीक है। तो पावर में जब माइनस वन तो क्या करोगे, इसको पलट दोगे तो 4/3 कर दोगे, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस वन इंटू 100 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 100, ठीक है, या 100/3% के बराबर। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर दिया गया इनसाइड द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर, कितना 4 times दिया गया अनदर ड्रॉप, ठीक है। एक्सेस प्रेशर पी का जो फार्मूला होता है 2t/r होता है, ठीक है। तो P1 = 4P2 के बराबर कहा गया, तो जो R2 हो जाएगा 4R1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो इनका रिस्पेक्टिव मास बताना है, तो मास जो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी दोनों का सेम होगा, तो M1/M2 = हो जाएगा, डेंसिटी दोनों का सेम मटेरियल है, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा 4/3πr³, ठीक है, R1 का क्यूब नीचे हो जाएगा R2 का क्यूब, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो R1/R2 का क्यूब होगा, तो यहाँ पे R1/R2 का रेशियो जो आएगा 1/4 आएगा, तो 1/4 का यहाँ पे क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1:64, ठीक है, 1:64 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे कहा गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू इमिसिबल, ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड है, इसका डेंसिटी 2ρ है, इसका 4ρ के बराबर है, यहाँ पे हाइट है h/2, हाइट पे यहाँ पे एक होल किया गया, एक इसके बॉटम पे होल किया गया है, तो दोनों की वेलोसिटी यहाँ पे है v1 और इसकी है v2, तो रेशियो आपको बताना है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, ठीक है।
तो वेलोसिटी देखिए हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे, प्रेशर एनर्जी के बराबर कर दोगे, रो जी एच के बराबर। तो अगर इसकी बात की जाए तो करेंगे हाफ रो, रो किसका, टू रो दिया है ठीक है, हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच ठीक है। तो रो जी एच कितना है, एच बाई टू यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे रखो एच बाई टू ठीक है। टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर रो जी एच बचेगा, यहाँ पे टू से टू गया, रो से रो गया, तो ये जो वी वन निकल के आ जाएगा रूट ऑफ जी एच के बराबर आ जाएगा ठीक है। अब वी टू की बात करो यहाँ पे, तो यहाँ भी वही करोगे हाफ रो, रो कितना है इसका, फोर दिया गया है, रो वी टू स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच। अब रो कितना है इसका, फोर है ठीक है। अब लेकिन अब दोनों का प्रेशर लेना पड़ेगा, इसका भी प्रेशर और इसका भी प्रेशर, क्योंकि इसके बॉटम पे दोनों का प्रेशर लगेगा, तो फोर जी एच प्लस टू जी एच ठीक है। इसका कितना लगेगा, फोर रो जी एच और प्लस टू रो जी एच ठीक है। तो इसको दोनों करोगे तो सिक्स रो जी एच हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स रो जी एच ये हो जाएगा वन बाई फोर रो वी टू का स्क्वायर, रो से रो गया यहाँ पे, टू से फोर कैंसिल करोगे टू बचेगा, टू से सिक्स करोगे यहाँ पे थ्री बचेगा, तो थ्री जी एच, तो वी टू इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ थ्री जी एच के बराबर। पहले क्या था, वी वन इजकल टू रूट ऑफ जी एच के बराबर, तो बस अब वी वन बाई वी टू चाहिए, वी वन बाई वी टू इजकल टू रूट ऑफ जी एच अपॉन रूट ऑफ थ्री जी एच के बराबर, जी एच गया वन बाई रूट थ्री के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है 7.5 सेंटीमीटर पे, और ये कोई स्फेरिकल ग्लास है ठीक है, और इसकी दूसरी तरफ इमेज यहाँ पे बन रही है, तो इमेज की पोजीशन आपको बतानी है। तो दो सरफेस हैं, तो पहले ही सरफेस के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर से सरफेस के लिए करना पड़ेगा। इसका जो फार्मूला होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपन आर वन। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर शायद दिया गया, हाँ 2.5 सेंटीमीटर दिया गया, 2.5 सेंटीमीटर दिया गया। तो पहले अब इससे निकालेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी, उसके बाद दूसरे सर्फेस से कैलकुलेट करेंगे। तो म्यू टू की वैल्यू, इसकी जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया वो दिया गया 1.3, या इसको आप 4/3 भी मान सकते हो, 1.3 को 4/3 मान सकते हो ठीक है। तो ये भी करोगे 4/3 वी माइनस ऑफ वी वन की वैल्यू ईयर में है तो 1 हो जाएगा, और वी की वैल्यू दी गई 7.5 सेंटीमीटर। लेकिन अब यहाँ से इधर जाओगे ठीक है, इधर चलना पड़ेगा आपको, पॉइंट ऑफ एक्शन से लेते हैं तो माइनस हो जाएगा ठीक है। तो माइनस 7.5 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस म्यू टू माइनस 1 तो हो जाएगा 4/3 माइनस 1, और आर वन की वैल्यू दी गई 2.5 सेंटीमीटर। इधर से मेजर करोगे ठीक है, तो प्लस में आएगा, तो प्लस 2.5 आर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ से जब वी की वैल्यू निकालोगे, तो वी की वैल्यू निकल के आती है 7.5 ठीक है, नहीं इन्फाइनाइट आती है ठीक है, देख ही लेते हैं यार क्या तुक्का मारना। 4/3 कर, इधर क्या हो जाएगा 1/3 ऊपर बचेगा ठीक है, तो 1/3 3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 7.5 माइनस ऑफ ठीक है। अब ये कितना है, ये 1/+7.5 था, तो ये हो जाएगा -7.5, तो ये हो जाएगा 0। तो 4/3 वी की वैल्यू हो जाएगी 0 ठीक है, ये आ जाएगा 0। तो वी करोगे ठीक है, तो वी कितना आएगा, इन्फाइनाइट आएगा, किसी की जब बटे जब अपान में इन्फाइनाइट होता है तभी तो 0 आता है, तो वी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इन्फाइनाइट ठीक है। तो वी हो जाएगा इन्फाइनाइट, मतलब कि पैरेलल पे जाएगा, जो यहाँ से चल रही है तो ये चली जाएगी पैरेलल, तो यहाँ से पैरेलल हो गई। अब देखिए दूसरे जहाँ जो दूसरा फेस है, यहाँ भी सेम फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो म्यू टू माइनस वी करना पड़ेगा। तो म्यू टू ईयर में है, तो म्यू टू की वैल्यू 1 रखोगे, वी आपको निकालना है माइनस म्यू वन, म्यू वन की वैल्यू रखोगे यहाँ पे 4/3, तो 4/3 यू, यू की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे आप, यू की वैल्यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब कहाँ से दिख रहा है, इन्फाइनाइट से आता हुआ दिख रहा है ठीक है। अब ये जो इमेज बनेगी इसकी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इन्फाइनाइट से आ रहा है, तो इसकी वैल्यू रखोगे इन्फाइनाइट इजिकल टू क्या करोगे, म्यू टू माइनस म्यू वन, मतलब 1-4/3 अपान आर टू, आर टू की वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको नेगेटिव, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, उल्टा आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2.5। तो यहाँ से वी आएगा आपका प्लस हाफ 7.5 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कोई ऑब्जेक्ट वो जिसको हाइट पर प्लेस किया गया 12 सेंटीमीटर ठीक है। अब ये कोई कंटेनर है, बीकर है, यहाँ पे इसको सिल्वरिंग कर दी गई, तो ये मिरर का काम कर रहा है, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया गया है 4/3 ठीक है, इसकी भी हाइट एच के बराबर, मतलब 12 सेंटीमीटर के बराबर है। तो लोकेशन ऑफ दी फाइनल इमेज आपको बताना है वाटर सरफेस से ठीक है। तो देखिए अब अगर इमेज शिफ्टिंग की बात करी जाए ठीक है, इमेज शिफ्टिंग का जो फार्मूला आता है यहाँ पे डेल्टा एक्स, तो वो होता है टी 1-1/μ ठीक है। तो टी की वैल्यू अब यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 रखो 1/1-μ, म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 4/3 चला जाएगा ऊपर, तो 1 × 3 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, तो 12 × 1/3 तो यह आ जाएगा 4 सेंटीमीटर के बराबर ठीक है, 1/4 आएगा ठीक है, 4 यहाँ पे जाएगा एलसीएम लोगे तो 1/4 आएगा, तो 12 × 1/4 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो शिफ्टिंग कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो रहा है। तो टोटल आना कितना चाहिए, यहाँ पे 12 है और ये 12 है ठीक है, ये 12 तो कितना है, दोनों मिला के 24 है। तो इमेज कहाँ पे दिखेगी, 24, शिफ्टिंग हो गई ऊपर की तरफ 3, तो ये हो जाएगा 21। तो 21 तो यहाँ से बनेगा ठीक है, यहाँ से कितना दिखेगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए वाटर सरफेस से, यहाँ से आपको देखना है,
यहाँ से देखने के लिए फिर करोगे आप 12, 12 तो ये यही है ठीक है, लेकिन अभी 12 का 12 नहीं दिखेगा ठीक है, इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ देखना पड़ेगा। तो इसका जो अपरेंट डेप्थ हो जाएगी तो 4/3 होगी, 3 × 4 = 12 ठीक है, 4 × 4 = 16 ठीक है। नहीं 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 अरे यार ये क्यों करोगे, अपान होता है ना, अपान म्यू होता है, तो ये 4/3 करोगे 3 जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे 4 × 3 करोगे तो 12 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो ये अपरेंट डेप्थ इसकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। यहाँ से पहले कितना बनना था इमेज 21 सेंटीमीटर, तो इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तो सरफेस जब देखोगे तो ये दिखेगा 30 सेंटीमीटर पे ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, कोई यूनिफॉर्म डिस्क जो रोटेट कर रही है, इसका कह रहा है कि किसी वर्टिकल प्लेन में ये रोटेट कर रही है, यहाँ पे कह रहा है एक पीस इसका डिस्क का रिम से डिटैच हो जा रहा है ठीक है, तो डिटैच हो जा रहा है तो उसका जो एंगुलर स्पीड होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो एंगुलर स्पीड पे तब तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहे हैं। तो जब कोई माना ये डिस्क है ये रोटेट कर रही है, यहाँ से कोई टुकड़ा निकल गया, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी, तो जो लीनियर वेलोसिटी डिस्क रहेगी उसी वेलोसिटी से वो भी वहाँ से जाएगा ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो जो एंगुलर स्पीड पहले रही होगी वही रह जाएगी ठीक है, तो रिमेन अनचेंज रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे कोई सॉलिड स्फीयर है ठीक है, इसके लिए लीनियर वेलोसिटी दी गई 4 m/s, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दिया गया 9 rads/s, फिगर में आपको दिख रहा है ठीक है। अब ये तो हमने आफ्टर कोलिजन दिखा दिया, कोलिजन में जब होना था तो ये इस तरफ जा रहा था ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ थी। इट कोलाइड इलास्टिकली विद द रफ वॉल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 m एंड मास 2 kg ठीक है, सब कुछ दे दिया गया इसमें। इफ द स्फीयर आफ्टर कोलिजन विद द वॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ये क्या हुआ, टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पहले इस तरफ जा रहा था ठीक है, यहाँ से टकराया बाद में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है, तो आपको म्यू की वैल्यू यहाँ पे बतानी है ठीक है। तो अगर ओमेगा की बात की तो ओमेगा क्या होता है, v/r होता है, तो v/r, v की वैल्यू देखिए इलास्टिक कोलिजन है ठीक है, तो सेम वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो हो जाएगा v/r की वैल्यू 1 m दिया है, तो आ जाएगा 4 rads/s ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 4 rads/s होगा, पहले किधर जा रहा था, इधर 9 rads/s जाता, तो डेल्टा ओमेगा जो आएगा वो आ जाएगा 9 - कितना है 4, तो ये हो जाएगा 5 rads/s ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा आ जाएगा 5 rads/s के बराबर। अब इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इनटू टाइम ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम के बराबर हो जाएगा ठीक है। जो फोर्स, इससे आपका जो फोर्स होता है क्या होता है, dp/dt होता है, फोर्स क्या होता है आपका dp/dt होता है, तो मोमेंटम में चेंज चाहिए तो क्या हो जाएगा f×dt, तो एफ को हम नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस करें तो नॉर्मल रिएक्शन dt = हो जाएगा डेल्टा पी किसके बराबर हो जाएगा, mv के बराबर होता है ठीक है। अगर वेलोसिटी में चेंज देखा जाए तो पहले वेलोसिटी की तरफ जा रही थी 4 m/s, बाद में वेलोसिटी पलट के दूसरी तरफ हो गई 4 m/s, तो जो चेंज होगा कितना होगा 8 m/s के आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा पी होता है आपका 8 m/s ठीक है। अब देखिए अब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, अब देखो ये आपके क्या करना है आपको, अब जो आपका एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे कंजर्व करना है, एंगुलर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं तब तक क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम को आप कंजर्व करोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, mvr करेंगे, mvr ठीक है, इंटू आई ओमेगा, आई कितना हो जाएगा इसका, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² हो जाएगा, इंटू ओमेगा, ओमेगा जो चेंज हो रहा है वही रखेंगे हम लोग ठीक है। तो अब देखिए mv की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी के बराबर लिख सकते हो, मतलब एन डेल्टा टी के बराबर लिख सकते हो कि नहीं ठीक है। तो जो अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की अगर वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, अब जो फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है, यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स देखो तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है μ×n के बराबर ठीक है, तो यहाँ पे रख दो μ×n, तो यहाँ पे हो जाएगा n, तो ऊपर डेल्टा टी था, यहाँ पे हो जाएगा r μ×n∆t = इसी के बराबर आ जाएगा, ये जो आपका यहाँ पे आया है ठीक है। अब जो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो, n∆t यहाँ पे क्या है, n∆t μr इधर बच रहा है, तो 1/μr = ऊपर क्या बचा था 8 और नीचे बच जाएगा 2/5, एम की वैल्यू यहाँ पे 2 kg दिया था, आर भी रखेगा, ओमेगा चेंज कितना निकाला था आपने 5 ठीक है, एक आर से आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, r² तो एक आर बचा रह जाएगा, रेडियस 1 दिया था तो वो भी कोई मतलब नहीं रहेगा इसका, आपको चाहिए म्यू की वैल्यू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 2×2 = 4 हो जाएगा, 4×2 = 8, तो ऊपर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5×5 = 25 ठीक है, तो यहाँ जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1/4 के बराबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे कोई डायोड यूज किया गया है ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप है 0.5 volt का, जिसमें इसे करंट जा रही ठीक है, इसमें करंट जा रही, तो इसमें एक डायोड को क्या किया, पलट के लगा दिया गया, इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये पलट के लगाया गया है ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम पावर रेटिंग है वो 100 mW के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द डायोड, एक रेजिस्टेंस जो आर है उसको कनेक्ट किया गया सीरीज में, उसकी वैल्यू आपको बतानी फॉर द अपकमिंग मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए आपको वैल्यू बताना है, तो पी मैक्स की वैल्यू क्या होगी, v×i max, तो पी मैक्स आपको दिया गया है 100 mW, तो पी मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा
वी इंटू आई मैक्स। तो आई मैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी मैक्स की वैल्यू 100 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वाट और अपान वी। वी की वैल्यू कितना रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आई मैक्स निकालना है अपान वी। तो वी आपको दिया गया, ड्रॉप दिया गया है ना 0.5 के बराबर, तो 0.5 रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल आएगा आपका आई मैक्स, ठीक है। अब आई मैक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 है, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है 0.5 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे या तो माइनस 1 है तो नीचे आएगा, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। तो आई मैक्स कितना आ गया आपका 1/5 के बराबर, ठीक है। अब आई मैक्स होगा कितना, आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नेट अपान आर नेट, ठीक है। वी नेट कितना होगा, वी नेट कितना होना चाहिए इसका, 1.5, देखो 0.5 सबका ड्रॉप है, ठीक है। तो 1.5 माइनस आप पॉइंट, क्योंकि एक उल्टा यहाँ पे लगा हुआ है, तो माइनस 0.5 करोगे और अपान आर, आर ही तो निकालना है आपको, ठीक है। तो ऊपर कितना बचेगा, 1.5 माइनस 0.5 ऊपर बचेगा 1, तो 1/r इज इक्वल टू आई मैक्स। आई मैक्स की वैल्यू है 1.5, तो r की वैल्यू सीधा आ जाएगी यहाँ पे 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोई सोलेनाइड दिया गया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, टर्न्स दिया गया 1000 के बराबर, करंट फ्लो कर रही है 8 एम्पियर, कह रहा है इफ इट्स इक्विवेलेंट मैग्नेट ऑफ द सेम साइज एंड मैग्नेटाइजेशन m, m क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक मोमेंट अपान वॉल्यूम, ठीक है। आप ये कितना दिया गया आपको, 20,000 एम्पियर पर मीटर दिया गया, देन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आपको बताना है। तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो यहाँ पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जो यहाँ पे आता है मैग्नेटिक मोमेंट अपान वॉल्यूम, ठीक है। ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, या माई क्यों लिखो, मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है, आई इंटू एन ए। अब एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए गए 1000, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, करंट इंटू एन, एन भी रख दिया हमने, ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर हो जाएगी अपान वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ कर दोगे, ठीक है। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, 1000 इंटू आई अपान एल। मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आपको दी गई थी यहाँ पे शायद 20,000, शायद नहीं 100% 20,000 दिया गया आपको, एल चाहिए, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू आई अपान 20,000, ठीक है, 20,000। आई यहाँ पे दिया गया 8 एम्पियर, ठीक है, तो वैल्यू रख दो यहाँ पे 800, तो 8 दिया गया, 800 नहीं दिया गया, तो 1000 इंटू 8 तो हो जाएगा 8000, तो ऊपर हो जाएगा आपका 8000, नीचे बचेगा 20,000 के बराबर, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको चाहिए यहाँ पे सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 1020 30 1020 30 4 0 काटना, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 80/2, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। वैसे निकलता मीटर में, लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको वाटर में छोड़ा जा रहा है, वाटर का जो मास दिया गया 1.1 केजी दिया गया है, और जो वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर का वो 0.02 केजी है, तो इसके मास में उसको ऐड कर दो, तो 0.12 केजी हो जाएगा, ठीक है। कैलोरीमीटर का मास भी इसी में ऐड हो गया। अब देखिए, अब इसका कितना मास स्टीम का लगेगा, यही पूछा गया है, ठीक है। द मास ऑफ द स्टीम कंडेंस, तो हम मान रहे हैं कि पहले एम मास इसका स्टीम में 100 डिग्री से 100 डिग्री वाटर पे आएगा, तो यहाँ पे लगाएंगे एम इंटू एल, तो एम इंटू एल, एल आपको दिया गया 540 प्लस एम एस डेल्टा टी, कहाँ तक लाना है, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक लाना है, तो 80 डिग्री वाटर, तो एम एस डेल्टा टी लगाओगे, एम एस की वैल्यू रखोगे 1 और डेल्टा टी 100 से 80 जाना है, तो डेल्टा कितना आ जाएगा 20 के बराबर, इक्वल टू यहाँ पे भी एम एस डेल्टा टी, एम की वैल्यू 1.12, एस की वैल्यू होती है 1, और डेल्टा टी कितना यहाँ पे 15 से जाना है 80, तो 80 माइनस 15 करोगे आ जाएगा 65। अब निकाल लेना एम की वैल्यू आ जाएगी 0.130 के बराबर, ठीक है, केजी में आएगा, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पे 2 kg कॉपर ब्लॉक है, इसको हीट किया गया 500 डिग्री सेल्सियस तक, एंड देन द प्लेस ऑन दी लार्ज ब्लॉक ऑफ दी आइस एट 0 degree, ठीक है। आइस पे रख दिया गया 0 degree सेल्सियस पर दिया गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी कॉपर का दिया गया 400 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर दिया गया 3.5 × 10⁵ जूल पर किलोग्राम, द अमाउंट ऑफ द आइस दैट कैन मेल्ट, कितनी आइस मेल्ट होगी, तो देखिए इसका टेम्परेचर चेंज कितना होगा, एम एस डेल्टा टी 0 तक आना है, तो कितना हो जाएगा, एम दिया है 2 kg, एस इसका दिया गया है शायद हाँ 400, ठीक है, एम एस डेल्टा टी 500 डिग्री सेल्सियस से 0 तक आना, तो डेल्टा चेंज कितना आएगा, 500 का ही आएगा, एम एस डेल्टा टी इक्वल टू एम एल के बराबर हो जाएगा। अब आइस का मास तो हमको निकालना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका दिया गया 3.5 × 10⁵, बस मास कैलकुलेट करना है, बाकी सारी वैल्यू इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 × 400 × 500
अपान 3.5 इंटू 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 नीचे 1, 2, 3, 4 जीरो अगर हटाओ तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4, ये कहाँ पे पॉइंट लगाए तो 10 की पावर 5 भी आ जाएगा, 5 कट जाएगा, यहाँ पे 0.5 और 4 ये हो जाएगा 2 के बराबर, 2 जा 4, ठीक है। तो 4/3.5, ठीक है, 4/3.5 या इसको करो 40/35, तो 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, तो 8/7 यहाँ पे आ जाएगा, केजी में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, जब केजी में रखोगे तो केजी में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आ गया है, ठीक है, आपको इक्वेशन दी गई है, आपको पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में क्या है, वी माइनस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दिया गया है, ठीक है। आपको बताना यूनिट ऑफ अल्फा, इसको ए की जगह अल्फा लिख दिया है तो अल्फा की यूनिट बतानी है, ठीक है। तो अल्फा वी स्क्वायर इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपका डाइन में दिया गया, तो डाइन अपान एरिया, ठीक है, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा तो सेंटीमीटर की पावर 6 हो जाएगा, तो पावर 2 पावर 6 कैंसिल करोगे तो पावर 4 बचेगा, तो क्या आ जाएगा आपका डाइन सेंटीमीटर की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पर देखिए प्रेशर ऑन ए सर्कुलर प्लेट, देखिए प्रेशर दिया गया इसमें और कहा गया इफ द एरर मेजरमेंट इन द फोर्स एंड रेडियस, फोर्स और रेडियस में जो एरर मेजरमेंट है वो 5% 3% है, तो प्रेशर में कितना परसेंट चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपको पता रहता है सीधे, परसेंटेज चेंज इन फोर्स प्लस, देखिए ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, आर की पावर माइनस 2 होगा, लेकिन मैक्सिमम चाहिए तो 2 आ जाएगा आगे, इंटू परसेंटेज चेंज इन आर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, फोर्स का दिया है आपको 5% प्लस आर का दिया है 3%, तो 2 × 3 करो, 3 × 2 = 6 और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 11% का चेंज आएगा, ठीक है। अब ये लिखना चाहो तो लिख लो, dP/V × 100 = dF/NF × 100, तो बात तो वही, इतना समझदार हो गए हो, हमको लगता है इतना समझदार आप लोग हो गए हो। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे क्या है, कोई बीम डाली जा रही है नेचुरल लाइट की, ठीक है, सिस्टम पे कहता है 5 निकोल प्रिज्म रखी हुई है, इसका ट्रांसमिशन एक्सिस टर्न किया गया 30 डिग्री, तो कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस, ठीक है, किसी एक का दूसरे के साथ 30 डिग्री, फिर तीसरी वाली उससे 30 डिग्री, तो ऐसे ऐसे रखा गया है, तो फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी आपको बताना है, तो मेलस ला कर लगाया तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, I0/2 cos²θ, ठीक है, लेकिन पांच बार करना है तो एक प्रिज्म का तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक का तो यही हो गया, लेकिन पांच करना है तो 4 का हम उसके पावर लगा देंगे एक ही साथ निकाल देंगे, वरना अलग अलग निकालना पड़ेगा सबका। तो अनपोलराइज लाइट नेचुरल लाइट क्या होती है, अनपोलराइज लाइट होती है तो पोलराइजेशन होगा, तो I/2 तो पहले ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I0/2 cos²θ, cos²30 है, 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4 की पावर 4, तो भैया कैलकुलेट करना I0/2 × 3 की पावर 4 कितना होता है, शायद 81 होता है, मुझे लगता है 81 हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 और 4 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा लगभग क्या 100% होगा, 256 के बराबर, तो ये आ जाएगा 256, ठीक, इसको कैलकुलेट करोगे तो अब देखिए I0 तो ऐसे रहेगा क्योंकि फ्रैक्शन आपको निकालना ही है, ठीक है, I0 की वैल्यू तो नहीं दी गई, ना कोई नहीं दी गई, फ्रैक्शन ही पूछा है, ठीक है। तो बस अब इसका जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 0.16 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 0.16 आएगा, इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे विजुअल लाइट वेवलेंथ दिया गया है 6000 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, ये नॉर्मली गिर रही है किसी सिंगल स्लिट पे जिसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनना है, इट इज़ फाउंड दैट द सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमम एट 60 डिग्री, ठीक है, तो इसको लिखते चलते हैं, तो यहाँ पे जो होता है A sin θ = n λ, यहाँ पे सेकंड मिनिमा कहा गया है, तो सेकंड इंटू लेमडा की वैल्यू दी गई 6000 × 10⁻¹⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है n λ होता है, ये दिया गया है आपको। अब बाद में कहा गया है कि इट इज़ फाउंड दैट द सेकंड डिफ्रैक्शन मिनिमा एट 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे रख लोगे तो ए यहाँ पे निकल आया, ठीक है। अब बाद में क्या गया है, इफ द फर्स्ट मिनिमम इज प्रोड्यूस है θ1 देन द θ1 इज क्लोज टू, ठीक है, फर्स्ट मिनिमम देखना है आपको, तो A sin θ1 = 1λ, ठीक है, लेमडा की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू निकाल लो तो आ जाएगा sin θ1 = λ की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, सेम वेवलेंथ यूज किया गया है तो अपान ए कर देना, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 6000 × 10⁻¹⁸ अपान ए, ए की वैल्यू यहाँ से निकालने जाओगे तो क्या आएगा, ये पूरा वैल्यू अपान साइन थीटा, ठीक है, ए की वैल्यू निकालोगे क्या आएगी, तो 2 × वही लेमडा ही आएगा, इसको समझ लेना कि लेमडा ही लिख दिया मैंने, ऊपर नीचे काटना ही तो है, अपान साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ये लेमडा, ये नीचे से बताया था मैंने लेमडा ही लिखा है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 के बराबर, ठीक है, कितना आ जाएगा √3/4 आएगा, तो √3/4 साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3/4, अब √3/4 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, ठीक है, √3/2 होता तो 60 डिग्री हो जाती, लेकिन 60 से कम आएगा, लेकिन अब कितना कम आएगा, अब 2 है सीधे सीधे,
तो अब 30 भी नहीं आएगा, 30 से थोड़ा सा कम आएगा तो 25 आएगा। अभी भैया याद होगा तभी हो पाएगा, हमको भी नहीं पता है कैसे निकलता है। ये 25 डिग्री आएगा, ठीक है, ये आंसर में आपको दिया गया 25 डिग्री आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43, जहाँ पे दो वायर दिए गए हैं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, इक्वल लेंथ है इनका और रेडियस दिया गया है, इनका रेशियो रेडियस का है 1:2। कह रहा है कि खींचने पर इनको सेम फोर्स से इनको खींचा जा रहा है, ठीक है, 1:2 दिया गया है। स्ट्रेचिंग ईच इंटू टू स्ट्रिंग बाय द सेम टेंशन, द रेशियो बिटवीन द दियर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इजकल टू क्या होता है 1/2L, और ब्रैकेट में क्या होता है रूट के अंदर होता है टी बाई एम, एम होता है मास पर यूनिट लेंथ, लेकिन यहाँ पे सेम मटेरियल कहा गया तो मास पर यूनिट लेंथ को हमने लिख दिया एरिया इंटू डेंसिटी, ठीक है। मास को क्या लिख सकते हो आप, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, ठीक है। पर यूनिट लेंथ करना है तो वॉल्यूम के क्या लिख सकते हो, एरिया इंटू लेंथ कर सकते हो, और पर यूनिट लेंथ चाहिए, ये हो गया मास और ये पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल तो रो इंटू ए हो जाएगा, तो यही तो लिखा हमने रो इंटू ए। तो जो आपका ये आपकी जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रपोर्सनल टू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर या सीधे आर हो जाएगी, तो एफ वन अपॉन एफ टू इजकल टू हो जाएगा आर टू अपॉन आर वन, आर वन अपॉन आर टू का रेशियो दिया गया है तो आर टू अपॉन आर वन 2:1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट दिया गया है 5/3, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 50 हर्ट्स देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, भैया पाथ डिफरेंस बताना है, तो फेज डिफरेंस इजकल टू क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस आपको दिया गया पाई बाई थ्री 2π/λ इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यही डेल्टा एक्स ही आपको चाहिए तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे λ/6, ठीक है, लैम्डा ऊपर जाएगा 2 यहाँ चला गया तो λ/6 आ जाएगा, लेकिन अब लैम्डा के फॉर्म में आंसर ही नहीं दिया गया है, ठीक है, तो लैम्डा इजकल टू क्या होता है, वी इजकल टू क्या होता है एफ लैम्डा, क्योंकि वी यहाँ पे दिया गया तो वी इजकल टू होता है एफ लैम्डा, आपको चाहिए लैम्डा, तो लैम्डा कैसे निकालोगे, वी बाई एफ कर दोगे, तो वी की वैल्यू दी गई 330 अपॉन फ्रीक्वेंसी दी गई 50 हर्ट्स, ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 6.6, लगभग आ जाएगा 6.6 के, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख लो 6.6, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6/6, तो ये आ जाएगा 1.1 के बराबर, समझ में आया, ये हो जाएगा आपका पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ही पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे कोई मास है, ये ब्लॉक का मास है एम, इसको स्लिप कराया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्लिप होके बी पे आ रहा है, बी से यहाँ पे जा रहा है 6 पे, जब ये बी पॉइंट पे पहुँचता है जिसकी वेलोसिटी होती है 1.4 रूट ऑफ 1.4 आर जी एट द बॉटम बी, वर्क डन इन द स्लिपिंग द ब्लॉक फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी में स्लिप होने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करता है, वही वर्क यहाँ पे भी करना पड़ेगा क्योंकि सेम सर्फेस है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा होगा, तो यहाँ पे रहा होगा एम जी आर के बराबर, क्योंकि ये हाइट इसकी आर ही रहेगी, ठीक है, इसका रेडियस आर है तो हाइट भी आर रहेगी, तो एम जी आर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम, और वी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है रूट ऑफ 1.4 आर जी दी गई, ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस आप जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा इसके अगेंस्ट जो नीचे आने नहीं दे रहा उसको, तो उसको भी तो इसी से बैलेंस करोगे आप पोटेंशियल एनर्जी से, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका एम जी आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये इससे करोगे तो 0.7 एम जी आर हो जाएगा, ठीक है, तो एम जी आर माइनस 0.7 एम जी आर, तो दो डब्ल्यू एफ निकल के आ जाएगा 0.3 एम जी आर के बराबर आ गया, ये आ गया आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना वर्क करना पड़ेगा हमको, यहाँ से यहाँ पहुँचने में फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोज करेगा वो वाला वर्क प्लस जितना पोटेंशियल एनर्जी गेन करना हमको उसके बराबर, तो जो वर्क डब्ल्यू हो जाएगा बी सी, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा डब्ल्यू एफ, जितना यहाँ से वर्क होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वही यहाँ भी होगा, तो कितना आया 0.3 एम जी आर, और प्लस कहाँ तक जाना है हमको एम जी एस तक जाना है, तो एम जी आर ही रहेगा क्योंकि हाइट इसकी एच ही है, तो ये हो जाएगा 1.3 एम जी आर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 1.3 एम जी आर के बराबर।